नमस्कार दोस्तों, मैं वैष्णवी स्वागत करती हूँ आप सभी का फास्ट इंडिया न्यूज़ वन में। आइए देखते हैं आज की कुछ मुख्य खबरें। टीकमगढ़ नगर पालिका अंतर्गत वार्ड नंबर 21 ग्राम डुमरऊ में तकरीबन 7 से 8 एकड़ जमीन जो नगर पालिका के अधीन बताई जा रही है, जिस पर कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण कर मकान निर्माण कर लिए गए हैं, जिसको लेकर जागरूक नागरिक द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। याचिकाकर्ता द्वारा इसमें 9 लोगों के विरुद्ध याचिका दी गई थी। उसने बताया गया था कि नगर पालिका की भूमि पर अतिक्रमणधारियों द्वारा कॉलोनियों व मकान निर्माण कराया जा रहा है, साथ ही जमीन के खसरा नंबर सहित याचिका दर्ज की गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने मामले को संज्ञान में लेते हुए मामले की जांच कर शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए आदेश दिए गए थे। लेकिन लंबा समय बीत जाने के बाद भी इस ओर कोई कार्यवाही आगे नहीं दे रहे हैं, जिससे नगर पालिका अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार पप्पू मलिक से बात की गई। उनके द्वारा बताया गया कि कोर्ट के आदेशों का पालन किया जाएगा, वह जमीन नगर पालिका की है, उसे अतिक्रमण। क्या नाम है आपका? गोरीला। गोरीला जी, क्या जमीन और क्या मामला है यहाँ पर? मामला जो है श्री मान कैसे डमरों में जमीन है, ये साहब विक्रह काट कर बेच रहे हैं जी, और लम्बी है सामना जमीन है जो है सरकारी घर मकान बना रहे बेच रहे जी। जमीन किसकी, नगर पालिका की है क्या? नगर पालिका की। तो कितने एकड़ में जमीन होगी जो बेची जा रही है? कम से कम जो जमीन विक्रय की गई है कम से कम 14-15 एकड़ जमीन। तो इसके लिए आपने कहाँ शिकायत की थी इसकी? हमने इसकी हाई कोर्ट में शिकायत करी थी, यहाँ भी करी थी, जाकर कर हाई कोर्ट जबलपुर में भी करी थी। तो क्या डिसीजन आया हाई कोर्ट से? उस ऐसे अतिक्रमण के लिए आया था। कब आया था ये? ये कम से कम एक महीना पहले। ये एक ही महीना नहीं है, कम से कम 3 माह हो चुके हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो अतिक्रमण किए हैं? कम से कम इसमें अधिक जो नगर पालिका की जमीन अतिक्रमण में है, इसका हाईकोर्ट से एक आदेश प्राप्त हुआ था अतिक्रमण हटाने का, क्या कार्रवाई हुई उसमें? एक्चुअली वहाँ पे मैं टंकियों के निरीक्षण के लिए गया था। हमारे यहाँ 4 टंकी सेक्शन हुई है, उसमें एक टंकी डुमरों पर भी है। तब मैं निरीक्षण के लिए गया तो वहाँ पे जो नगर पालिका की जमीन पड़ी हुई है, काफ़ी लोगों ने उस पर कब्जा करके रखा हुआ है। मैं उनको अपनी तरफ से बोल के आया हूँ और पहले नगर पालिका उनको नोटिस भी दे चुकी है कि यह अतिक्रमण हटा लिया जाए। अगर वो खुद हटा लें बेहतर है, नहीं तो नगर पालिका हटाएगी तो उसका चार्ज भी उनको देना पड़ेगा। और लगभग वो 7-8 एकड़ जमीन है वहाँ पे, और हाईकोर्ट का एक फैसला आया हुआ है, जो फैसला नगर पालिका के पक्ष में है। वो जमीन नगर पालिका की है, नगर पालिका की रहेगी। शहर में जो आवारा पशु जो घूम रहे हैं, हमारा प्रयास है कि उन आवारा पशुओं को वहाँ पर व्यवस्थित किया जाए। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही कुछ खास और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए फास्ट इंडिया न्यूज़ 1।